जरूर होगा। मैं एक विधायक राजेंद्र बेचन आ जाए मेरी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर के उस प्यारे पुरवा गांव के सामने है जो नदी की कटान में धीरे धीरे कटता जा रहा है। आपको बता दें घाघरा नदी के मुहाने पर है और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं दूर तक अगर नजर जाएगी तो घाघरा नदी आपको नजर आएगी। राजधानी लखनऊ और सीतापुर मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। कभी यहीं प्यारे पुरवा गाँव पूरा बसा हुआ करता था और ये कटान की भेंट चढ़ गया। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि बाबा कुटी और उसके उस पार अखरी गांव पड़ता है, यहाँ भी घाघरा नदी कटान कर रही है, लोगों की धुकधुकी बंध रही है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें ऊंचे स्थान पर बसाया जाए और कुछ लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले लिया है। सीतापुर के दो ऐसे गाँव, एक परमगोड़ा और दूसरा शंकरपुरवा, ये इनका अस्तित्व मिट चुका है क्योंकि घाघरा नदी के आसपास जो अब सरयू नदी हो चुकी है वहीं पर ये गांव बसते थे। अब धीरे धीरे इन लोगों ने बंधे पर या कहीं अन्य सुरक्षित स्थानों पर शरण ली हुई है और उस नज़ारे को आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ज़रा खर फूस के मकानों में बंधे पर कैसे शरण लिए हुए हैं। इस बीच इनके लिए एक राहत भरी खबर ये आई कि स्यौता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने पहल की और जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह को इस इलाके में लेकर आए और आज जो कटान पीड़ित थे, बाढ़ पीड़ित थे, उनको एक सहायता किट बांटी है। तो देखिए सहायता राशि लेकर के लौट रहे हैं बहुत सारे ऐसे कटान पीड़ित और बाढ़ पीड़ित और इनको सहायता राशि देने के साथ साथ इनको पट्टे भी दिए गए हैं भूमि के जिन लोगों के मकान कट गए थे। बाबा कहाँ रहते हैं? अखरी। आपका घर कटान के मुहाने पर या कट चुका? कट एक दफ़ा कट चुका है, बाहर बनाए हैं बगल में उधर। आज क्या किसने आपको क्या दिया? अब यही किट उट जो बटी है वही बांध के। पट्टा भी? हाँ पट्टा भी दिया, 3 बिस्वा का दिया है पट्टा। तो खुशी नहीं झलका रहे हैं आप? खुशी है कि नहीं आपको? अरे अरबन रुपए धन चला गया, कहा खुशी है। उम्र सरकार ने मदद तो की ही ना आपकी? हाँ, जो उनकी है तुम ठीक है। सुधी तो ली ना आपकी? किसके प्रयास से मिली मदद? ज्ञान तिवारी। अच्छा, तो और अभी कुछ लोग बचे हैं जिनको मदद मिलनी चाहिए? हाँ बहुत हैं, अभी कम से कम 25-30 लोग और हैं। सब मिलाए कहाँ, पूरे पट्टा थोड़ो बटे हैं। और सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से नहीं, एक ठोकर और बना हुआ है हमारे तरफ आखिरी में, एक ठोकर जो और बन जाए तो उधर कटान बंद कर देगी, जितने परिस्थिति है अत्यंत बरकरार रहेगी। देखिए ये ठोकर एक और बन जाए तो इनकी मांग है कि कुछ बच जाएंगे। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं तो नदी को उस पार रहता हूँ, रिश्तेदारी में इलाज अपना चला रहा हूँ। तो ये रिश्तेदारी के लोगों को मिली? हाँ उनको मिली है तो मैं लेके जा रहा हूँ। मकान कट गया था? हाँ इनका उनको मकान कट गया था, पूरा इधर मकान था पूरा कट गया था, बांध पर रहते हैं लोग। इनको पट्टा मिला है? अभी कहाँ मिला है, कुछ नहीं मिला इन लोगों को, इन लोग को कुछ नहीं मिला है। मिलेगा कहाँ, कहाँ गया है? कहाँ गया है, बोला गया है? हाँ बोला तो गया था मिलेगा, देखो फिर। तो देखिए कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को मिलने की उम्मीद है और ये बाढ़ और कटान प्रभावित कहाँ के रहने वाले हैं? अखरी गाँव। कटान से परेशान, बाढ़ क्या नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ, खेती सब कट गए, घर कट गया और कुछ मिला थोड़ा है, कहा सब हैं जो मिले थे वो मिले थे तो कुछ नहीं। तो ये किसने मदद तो दी आपको, किसने दी? मदद तो भारतीय जनता पार्टी से होती है। हाँ तो बात सही है, अब जो मिला है वो मिला है। और क्या मांग है, क्या क्या कर दे सरकार? सरकार हम लोगों के पट्टा बनावा है, हम लोगों के यहाँ बसे के जगह दिए, व्यवस्था करे, हम लोग हम अपन बच्चे पाली, हम लोग जी आराम से, वो होते नहीं जो होना चाहिए। शिक्षा कैसे होती है? गल्ला तो मिली
तभी भी जी लिया थी, न मिली तब भी जी लिया। शिक्षा शिक्षा कैसे हो है? एजुकेशन कैसे होती है आप लोग, पढ़ाई लिखाई कहाँ होती बच्चों की? पढ़ाई लिखाई जब इधर उधर रहा जाते रहता कहता, मैं कभी नदी भी पार रहा जाता, कभी नहीं पार रहा जाता, तो कौन पढ़ाई लिखाई कर जाएगा। बिजली बिजली भी हमारे नहीं है, न कलेक्शन है, ना वह जो लाइट चले सूरजाल यहो हमका नहीं कर देना। अच्छा, इससे पहले आपको ये मदद मिली कभी? कभी नहीं मिली, पहली बार मिली। हाँ, पहली बार का चौथा चक्कर है मिलते हुए इसी सरकार में। हाँ, इसी गवर्नमेंट में। क्या क्या मिलता है? यही लैया है, चना है, अभी मैं बिस्कुट हुई, तेल हुई, चावल है, आटा है, ये तो अच्छी व्यवस्था है, गड़बड़ नहीं है, सही है व्यवस्था। लेकिन हम लोगों का यही मकान बना के लिए जगह और जी खाए वैसे। आज पट्टे दिए गए तो गए हैं कई लोगों को? अरे सर, दिए तो पट्टे गए हैं, लेकिन वही पट्टन के जगह नाप के यहाँ पैमाइश द्वारा अलग कीन जाए, हम लोगों को बसावा जाए, तब पट्टा पायन। और जब काम नहीं होता तो पट्टा बटने से क्या फायदा है, काम होना चाहिए। तो आप एक कदम आगे चले हैं, आपको नहीं लगता कि आगे चल के आपको जमीन भी मिलेगी? तब तो सही है, जमीन मिल जाएगी, उसी में हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे, अपने बच्चे पालेंगे। माता जी, आपको तो कई साल हो गए होंगे। हाँ? आपके देखते देखते नदी कितने कटान करी है, कितनी कटान की? 55 साल हो गए बच्चा, 55 साल हो गए कटत। अब नहीं हुई क्या, 8 बीघा जमीन हमारी कटी, और अभी जौन है तो अब जौन यहाँ रह बंधा तेरी यहाँ, तो बंधा जब बंधा कट गया तब यहाँ कलुआ पुलवा रह लगे, सड़क पर रहन बच्चा, सड़क कट गए, चले गए गुड़ियन पर रहे लगे बेटा। अच्छी है, और तो वो सर ने देने लेने का खाए पिए में है नहीं कमी है बच्चा, दिए थे जब से हमें कट गवा तब से दिए प्रधान देवा वो थे, ये बात नहीं है। तिरपाल मिला है? हाँ, दिया है तिरपाल है, क्या है तिरपाल हुआ, ये किसने दिया? मोदी। अच्छा, मोदी रहने मोदी योगी। हाँ, मोदी योगी रहने बच्चा। बाढ़ का पानी कुछ गांव में घुस गया, खासकर 15 घर जो ये विस्थापित हुए हैं बाढ़ के कारण, आज उनको दूसरे गांव में करीब 2 किलोमीटर दूर है गांव में उनको पट्टा भी दे दिया गया है, और सबको 1,20,000 रुपये की धनराशि भी दी गई है। साथ ही साथ मैंने ये भी निर्देश दिया कि उन 15 लोगों को शौचालय के लिए भी पैसा दे दिया जाए, और जिससे वो नया घर अपना बना के रह सकें। ये माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं जिनका स्नेह है, निरंतर जब हम लोग आग्रह करते हैं तो हमारी समस्या में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, और उसका हमें पूरा रिजल्ट भी मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गांजरी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, चाहे आवास हो, आवास को लेकर के सबसे अधिक 46,000 लोगों को हम लोगों ने छत दिया, जैसे कि माननीय मंत्री जी से आप कह रहे थे कि जो लोग सड़कों के किनारे, अब लगभग हम लोग ना के बराबर कर दिए हैं कि जो लोग सड़कों के किनारे रहते थे कभी सपा बसपा के ज़माने में, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दे करके उनको आच्छादित भी कर दिया गया है। आवास जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2011 की जो लिस्ट थी उसमें उनके नाम नहीं है, जिनके कच्चे आवास हैं, सरकार ने यह फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने फैसला लिया है, और उसको हम लोग पूरी तरीके से लागू भी कर रहे हैं। हर गाँव में एक सर्वेक्षण शुरू हो चुका है, जिन लोगों के कच्चे मकान रह गए हैं जो 2011 की लिस्ट में शामिल नहीं थे, उन सबको भी आवास लिस्ट बना के उन सबको भी आवास दिया जाएगा। देखिए और सारी, देखिए कितने लोगों को ये बाढ़ राहत सामग्री लेते हुए आ रहे हैं लोग बाग, तो देखिए ये तमाम लोग जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये आज दरअसल प्रदेश सरकार के और ज़िले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की ओर से ये राहत किट बांटी गई है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी की मौजूदगी रही, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे, जिला अधिकारी अभिषेक जो है वो मौजूद रहे, और ऐसे बहुत सारे लोग। तो देखिए ये जो है आपको दिखाना चाह रहे हैं खरफूस के मकान, ये उनके हैं जिनके लोग, इनका मकान कट चुका है और वो अब यहाँ आए हुए हैं। ये आपका है मकान? हमारा अंदर बंद है, उसमें है, अभी जाएंगे आप? गाँव जाएंगे अभी। कैसे जाते हैं जब इधर से पानी भरा हुआ? पानी सर उधर के चले जाते हैं, थोड़ा पानी है, मकान ऊंचे पर है, और जब भर जाता है फिर तो बंधक चले जाते हैं, उसके बाद फिर चले जाते मकान करने। तो क्या मांग है सरकार, क्या करना करे? सरकार से पट्टे मिल जाएं, आवास मिल जाए, बस यह इतनी मांग है, बस और का रहने लगे बेचैन से। तो देखिए ज़्यादातर लोगों की यही मांगे हैं,
जो सीतापुर के बाढ़ और कटान प्रभावित हैं कि उन्हें पट्टा आवास मिल जाए तो शायद उनकी जो समस्याएं हैं, जो जीवन में एक बार लोगों का आशियाना बन पाता है और नदी उसे निगल लेती है, फिर वो बेघर हो जाते हैं और ऐसे ही सड़कों के किनारे खर फूस के मकान में रहने को या फिर पॉलीथीन के मकान में रहने को मजबूर हो जाते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी दुर्गेश मिश्रा और सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।